ठीक है सर, अब मुझे जाना होगा। आप छात्रों को थोड़ा समय दे और उन्हें ये बताने की प्रयास करें कि सफाई का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं पूरी निष्ठा से कोशिश करूंगा। और असल बात यह है कि उन्हें इस बारे में कोई बताता ही नहीं और बड़े भी इस बात को नहीं समझ पाते। आप सही कह रहे हैं, यही वजह है कि हमें युवकों को पकड़ना है। एक बार अगर उन्हें स्वच्छता की आदत पड़ गई, जिंदगी भर नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे कहने का असर युवकों पर नहीं पड़ेगा। सर, युवक तो छोड़िए, अभिभावक भी इस बात पर आकर विरोध करते हैं कि वो उनके बच्चे को स्कूल से पढ़ाई के लिए भेजते हैं, ना कि यह सब साफ सफाई के लिए। तो अभिभावकों को समझाइए, इसी तरह अन्य स्कूलों में भी सफाई कार्यक्रम शुरू की गई है और ये पढ़ाई की तरह ही है। इनका लाभ उन्हें ही मिलेगा, उन्हें बीमारी नहीं होगी। सर, ये आपका पहल है, इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप कुछ देर उनके साथ रुक जाते और उसके बाद एक कप चाय भी। नहीं सर, आज मुझे माफ कीजिए, दरअसल गांव के कुछ प्रतिभाशाली युवकों से मिलना है। एक महीना के अवकाश के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो शहर जाने वाले हैं। अच्छा, उन्हें विदा करना भी जरूरी है। उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो उनका भविष्य पर असर पड़ेगा, और अगर वो अच्छा करेंगे तो गांव के लिए भी अच्छा है। ठीक है, नमस्कार। हम लोग तो आपके बारे में ही चर्चा कर रहे थे, सोचा था कि किसी काम की वजह से आपको आने में देर होगी या तो आप भूल गए होंगे, तभी आप यहाँ पहुँच ही गए। मैंने इन्हें कही भी थी कि आप जुबान के पक्के हैं, समय पर पहुँच जाएंगे। जो लोग सफाई के लिए इतने संघर्ष करते हैं, वो आदत के गंदे कभी नहीं हो सकते। आप सही है, लेकिन आज जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है, कभी हमसे छूट भी सकती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जगह पर समय पर पहुंचे। सिर्फ तीन चीजें याद रखिए, एक समय और जगह की तिथि याद रखना, दो उस जगह पर जाने की वजह याद रखना, और तीन समय से पहले काम शुरू करना, ताकि कुछ समय हाथ में रहे। लेकिन जीतने के लिए सफाई जरूरी है। अंकल ने क्या कहा तुमने सुना? उसे अपनाने की कोशिश करो। मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो कह सकता हूँ। नहीं नहीं योगी जी, कृपया उसे बताइए, ये सीखने का उम्र है। अगर आप लोगों से नहीं सीखेंगे तो आदर्श की बातें कहाँ से सीखेंगे। तो सुनो, साफ रहने का मुख्यतः सात फायदे हैं। पहला, ये तनाव और हताशा कम करता है। दूसरा, ये शांत रखते हैं और सही तरीके से खाने में मदद करता है। तीसरा, ये काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं। और चौथा, ये दूसरों के साथ तुम्हारा संबंध मजबूत करने में मदद करता है। पांचवा, ये उत्पादकता बढ़ाता है। छठा, ये वजह नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करता है। और सातवा, ये शरीर को स्वस्थ रखने में तुम्हारी मदद करता है। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था, लेकिन जो आपने कहा वो 100% सच है। और ए, समझ में आया? याद रख पाए? शायद हर एक शब्द याद नहीं कर पाया, लेकिन जरूर ये समझ गया कि सफाई से अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, समाज में भागीदारी, अच्छा खाने की आदत, निश्चित प्रगति, लंबी दौड़, समृद्धि और गंभीर अध्ययन में लाभ जरूर होता है। मैं बहुत खुश हूँ, इसी वजह से तुम्हारा घर छोड़ने से पहले मैं खुद चल के आया। याद रखना, अपनी छोटी छोटी आदतों से बड़ी बदलाव ला सकते हैं। जी, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये महसूस करो कि ये राष्ट्र का सेवा है। ये राष्ट्र का सेवा कैसे हो सकते हैं? हम साफ रहे या गंदे, उसे राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा? आप भगवा लोग बिना मतलब के हर बात को हर चीज पे जोर देते हैं। सुनो मेरे भाई, आपके साफ या गंदे रहने से देश से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे जैसे लोग आसपास के लोगों में अच्छी आदतें डालने के प्रयास करते हैं। हर देश की प्रगति उसकी युवा पीढ़ी की आदत, क्षमता और गुणवत्ता पर निर्भर है। जो देश इस मामले में समृद्ध है उसका विकास तय है। अगर विकास होगा तो तुम अपने आशितों की मदद कर पाओगे।
अगर तुम्हारे जिंदगी में सफाई का कोई महत्व नहीं है तो तुम गंदी चीज को छुओगे, गंदी आदत डालोगे और गंदगी फैलाओगे। ये गंदा लड़का है, इसके दिमाग में पहले से कुछ गंदी चीजें हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं इसके दिमाग में नहीं जा रहा है। नहीं, मैं समाप्त कर रहा हूँ। यदि तुम गंदे माहौल में रहते हो तो सबसे पहले तुम बीमारी की शिकार बन जाओगे। कुछ अज्ञात बीमारी भी हो सकती है, इससे तुम्हारी ऊर्जा, क्षमता और इच्छा शक्ति पर असर पड़ेगा, तुम्हारे परिवार पर भी बुरा असर पड़ेगा। और यदि तुम्हारे जैसे हर परिवार को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर देश पर पड़ेगा। ऐसे? अच्छा, अगर तुम बीमार पड़ते हो और तुम्हें इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज सस्ती है, इलाज जरूर होगा, और सस्ता इसलिए है कि सरकार ने लोगों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन पैसे खर्च तो सरकार की खुद से ही होंगे। अब अगर सरकार तुम जैसे नौजवानों के इलाज पर पैसे खर्च करती है, एक तो तुम्हारे सेवा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और दूसरी तरफ विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे। अब सोचो, तुम्हारी इन बुरी आदतों से सरकार पर कितना बुरा असर पड़ता है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ओ ग्राम योगी जी, अरे ओ ग्राम योगी जी, आप तो बहुत ही मजेदार आदमी है। आप जो भी बकवास करते हैं सारे सुनते हैं। मैं दिन भर चिल्लाता रहता हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता, बल्कि मेरा पत्नी भी नहीं। मैं जब भी कुछ कहता हूँ आपका मिसाल देता है। किसी बात के लिए मेरा नाम लेती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? हाँ, यही बात तो मैं उससे कहता हूँ कि सफाई अभियान हमारी प्रधानमंत्री ने शुरू किया, आपने नहीं, लेकिन वो आप ही का नाम लेती है। मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, लेकिन जब भी राष्ट्रपति का नाम आता है सारे रामनाथ कोविंद जी का नाम लेते हैं। लोग सही है, आपको इसमें इतना अफसोस नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में लोग आपका नाम क्यों लेंगे? क्यों नहीं, आप मुझे बोलिए, जब भी सफाई की बात आती है तो सारे आपका नाम लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समिति है पूजा समिति, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन जब भी राष्ट्रपति जी का बात आते सारे कोविंद जी का ही नाम लेते हैं। ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये बात है, हो सकता है लोग गलत हो, आप उन्हें जाके पकड़िए। वाह, आपने ऐसे सलाह दी, सारे मेरे ही पिटाई करेंगे। इधर मैं बोलना शुरू करूंगा, इधर सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अकेले में बोल दिया तो ठीक है, अगर समूह में बोल दिया तो आटे की तरह पीस डालेंगे। लोगों से पीटने से बेहतर है कि घर में ही पत्नी से मार खाऊं। क्या कहते हो भाई, वो रोजाना तुम्हें क्यों मारेंगे? दरअसल इसके लिए उसे भी दोष देना ठीक नहीं है। मेरा बेटा और मैं रोज ऐसा कुछ कर ही देता हूँ कि उसके पास भी कोई चारा नहीं रहती है। खासकर खाने के समय में, जब भी हमारे सामने खाना लाती है हम हाथ धोना भूलकर उसमें टूट पड़ते हैं। लगता है ये एक राष्ट्रीय समस्या है। क्या कहते हो भाई, इसका मतलब मेरी पत्नी को पूरा देश भर में घूमना चाहिए और जो खाने की चीज को बिना हाथ धोए छुए उसे पीट दे। बिल्कुल इसी तरह, मैं ये बात जानता हूँ कि वो अकेली ये काम नहीं कर सकती, कुछ ऐसे संगठन हो जो ऐसा करे। आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो भाई, आपसे ज्यादा समय बात करना ठीक नहीं है। आपको ये सब बताकर लगता है मैंने गलती कर दी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, किसे पाला भाई? मुझे पता नहीं इस पीरी को क्या हो गया है, सभी को रात प्यारी है। तुम लोग रात को पढ़ते हो, रात को काम करते हो, काम नहीं करने से भी देर रात को ही सो जाते हो। सच कहूँ तो तुम लोग जब सोते हो हमारे लिए सुबह होती है, और सब जब काम करते हैं तब संयोग और दूसरे सो जाते हैं। ये भी कोई जीने का तरीका है क्या? संसार तुम्हारे लिए इंतजार करेगा? हाँ,
इस पीढ़ी ने बड़ी बुरी आदतों को अपना लिया है। आगे की जिंदगी चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम लोगों में सामर्थ नहीं है। चिंता मत कीजिए आप लोग, हम किसी के लिए इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया हमारे लिए इंतजार करेंगे। और दुनिया बदल रही है। जहाँ तक माँ की शिकायत की बात है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अब तक मोबाइल नेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रहा है। डिजिटल होना अच्छी बात है, यह नई जानकारी और स्मार्ट होने का संकेत है, लेकिन हर चीज नेट से नहीं होता। तुम ना अपनी जरूरतों के बारे में ही सोचते रहते हो, अपनी भूख, अपनी जरूरतें, व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना, उनकी खुशियाँ। तुम बस अपनी जिंदगी के साथ ही व्यस्त रहते हो, अन्यथा तुम मुँह के बल गिरोगे। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था संजोग से मिलने। सुना है तुम अफकस खत्म करके टास्क करने आज ही शहर जा रहे हो? हाँ अंकल, इसीलिए हम लोग बाजार जा रहे थे और वहाँ से कुछ चीजें खरीदनी भी है। तुम पिछले एक महीने से घर पे हो, ये काम तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें चला जाना चाहिए था। जल्दी जाने का कोई मतलब ही नहीं है अंकल, विलम्ब से जाना, रात को सो जाना और सुबह तरोताजा होकर क्लास करना ही बेहतर है। लेकिन तुम्हारे कमरे, बिस्तर, किताबों, ये सब की सफाई? अंकल आप चिंता मत कीजिए, एक रात के लिए कुछ नहीं हो जाएगा। आज रात हम लोग निकलेंगे, आराम से कुछ खाएंगे और सो जाएंगे, कल सुबह से अपनी जिंदगी पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। अंकल आप अपने दिनों के आधार पर चीजों को तय ना कीजिए। अभी कैसी हालत है? कैसे हैं वो संजोग, विश्वास? गंभीर है, वो लोग होश में नहीं है, डॉक्टर के अनुसार फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, घर से आने के बाद कुछ खाया उन लोगों ने? मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चों को किराए के घर में मत रखो, कल ऐसे हॉस्टल में रखा जाता तो आज ऐसी गत नहीं करती। देखो, मैंने उन्हें मस्ती करने के लिए किराए के घर में नहीं रखा था, उसके नंबर भी इतने अच्छे नहीं थे कि उसे कॉलेज के हॉस्टल में दाखिला मिल जाए, क्या करता मैं? देखो अभी भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें होश आ जाए। मकान मालिक ने उसे रात को कुछ सड़ी हुई चीजें खाने के लिए दी होगी। मैडम, इस भरे के हॉस्टल से ही मेरा रोजी रोटी चलता है, मैं अपने हॉस्टल का क्यों बदनाम करूंगा? हम जो खाते हैं वही उसको भी परोसते हैं, रनवेस को भी वही खाना दिया गया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। असली बात है वो दोनों गंदे हैं। जी आंटी, ये सही है, हमें अच्छा खाना दिया जाता है, उसके लिए इन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता है। दरअसल संजोग और विश्वास गंदगी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मालिक खुद जाके उन लोगों के प्लेट साफ कर देते हैं, जबकि हमें खुद साफ करना चाहिए। यह सब कैसे हुआ? दरअसल कल रात को देर तक बिजली नहीं थी। आज गांव में सफाई अभियान वाले हमारे घर पर आए थे और सफाई के बारे में बोलने लगे। अरे अभी बिजली नहीं है, रोशनी नहीं है, सफाई का काम कैसे करे? वो मेरे पास भी आए थे यार, वो हमको सड़क में मिला और कहने लगे कि काम समय से पहले कर लेना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था, अगर काम समय से पहले कर लेते हो तब चीजों की व्यवस्थित करने में तुम्हें अच्छा ही होगा। मैंने उससे कुछ नहीं बोला यार, क्योंकि उस टाइम मेरे अभिभावक मेरे पास ही थे। लेकिन लोग कैसे दूसरों के लाइफ में बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं यार। तुम लोगों की राय अलग हो सकता है, लेकिन मैं उनके बातों से सहमत हूँ और उनके बात मैं पसंद भी करता हूँ। अगर देखो हम लोग उनके बात सुने ना, हमारा बहुत लाभ होगा। ठीक है, कुछ देर के लिए हमें मान ले और उनके राह पर चलने लगे, लेकिन क्या फायदा? फायदा होगा, सिर्फ उनके ही नहीं पूरे देश का होगा। और उनके सलाह और बातें जो हैं, दिल सच भी नहीं जबरन है। ए, ये सब बात करके शाम का वक्त बर्बाद मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना कब मिलेगी? अरे हाँ यार, आंटी ने खबर भेजी थी, खाना हो गया, हम लोग जब चाहे खा सकते हैं, लेकिन करंट नहीं है, मैंने बोला बाद में खाऊंगा। ठीक है, अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह।
चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3061 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ये सही है। उन दोनों के प्लेट में चिपकली गिरने से और वही खाना खाकर वो बीमार पड़ गए, और तुम सही समय पर आए हो। माता जी खुश हुई, पूजा भी सफल हुआ। लेकिन उनके प्लेट में चिपकली डाला किसने? ये सब दक्षत्र का खेल है, किसी ने नहीं डाला बालक। ओ, अपने आप आके गिर गए, लेकिन वो अगर ये प्लेट साफ कर कर खाना खाते तो ये मुसीबत नहीं आती। प्रभु, आप भी मेरी पत्नी की बोल बोलने लगे हैं। जब भी कोई साफ सफाई की बात करते हैं, मुझे उसकी झाड़ू की याद आती है, जिससे वो घर साफ करने के साथ साथ मेरी भी पिटाई करती है। तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना नाराज क्यों रहती है? छोड़िए ना प्रभु उन सब बातों को, दरअसल उसका कारण मैं ही हूँ। दरअसल मैं साफ सुथरा नहीं रहता हूँ ना, उन सब बातों को छोड़िए। वो दोनों लड़के बच जाएंगे ना? हाँ, वो बच जाएंगे, लेकिन एक को ठीक होने में समय लगेगा, उसका पढ़ाई का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो भी ठीक है, जान की तुलना में 1 साल की पढ़ाई की नुकसान कुछ भी नहीं है। ये दो फल लो, दोनों के तकिए के नीचे रख देना, और हाँ, तुम जाने से पहले ही एक को होश आ जाएगा। उसके तकिए के नीचे ये छोटा फल, दूसरे के नीचे ये बड़ा फल, समझ गया ना? जी, और कुछ बोलना होगा? सुनो, समझा? ये मंत्र बोल देना, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोल दूंगा। तो भी ठीक है, मैं चलता हूँ। अब उन दोनों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, अगर और फल की जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगा। दरअसल बात क्या है, हम में से ज्यादा लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं। तुम्हारी पत्नी भी वही कहती है, उनमें से तुम भी एक हो। ओम नमः शिवाय, तो मैं चलूं प्रभु? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आश्चर्य की बात है, कॉलेज की लड़के स्टूडेंट है, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, इतना गंदे कैसे हो सकते हैं? देश की 1/3 आबादी अभी भी खुले में शौच करती है, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन है, ये दोनों तो भाग्यशाली है कि आप जैसे डॉक्टर उनके करीब है, नहीं तो सोचिए क्या होता। जी, मैं डॉक्टर हूँ और ये लोग भाग्यशाली है, मेरे देख रेख में है। लेकिन आज मैं इन लोगों को देखने के लिए नहीं आया था, अगर आप नहीं होते तो आज मैं दूसरे जगह पर दूसरे मरीज को देख रहा होता। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ मेरे पुराने दोस्त ग्राम योगी को धन्यवाद कहने। ये तो आपका बड़प्पन है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे आग्रह की सम्मान रखते हुए यहाँ आए और मेरी सफाई की अभियान को हौसला दिया। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप जैसे दोस्तों के कारण ही मैंने ये सब किया है। आपने जो सफाई का अभियान चलाया है, इसी से अगर देश का सेवा किया, और इस तरह की सेवा से ही देश शक्तिशाली बन सकता है और युवा पीढ़ी सशक्त बन सकता है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर,
वो दोनों लड़के कैसे हैं? एक को होश आ गया ना? आपको कैसे पता साला? ओम नमः शिवाय, मुझे ओझा जी ने बताया था। और ये दोनों फल मैं उनके तकिए के नीचे रखूंगा। ए, ये क्या कर रहे हो? अरे आप चुप रहिए, इससे वो ठीक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इन्हें करने दीजिए, जब तक ये सब अंधविश्वास हमारी डॉक्टरी वैज्ञानिक पहल पर दखल नहीं देते हैं तब तक करने दीजिए। ये आस्था की नाव पर चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे, जबरदस्ती से नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें होश आ गया? चलो चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अरे तुम्हारे कॉलेज पढ़ने का क्या फायदा? तुम तो मुझसे भी गधे हो। चिपकली वाला प्लेट में कोई खाना खाता है क्या? बोलिए। तुम्हें कैसे पता चला कि प्लेट में चिपकली थी? अरे मुझे ओझा जी ने बताया और मुझे दो फल भी दिया। कैसा फल है ये? अरे चुप रहिए। कौन सा छोटा वाला है? हाँ यही है, हटिए। अब मुझे चैन मिला, ये विश्वास तो ठीक हो जाएगा ही। अरे ये क्या कर, लेकिन संजोग के लिए बुरा लग रहा है, उसका एक साल का पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा ना, उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो क्या कोई स्पेशलिस्ट है? नहीं, वो मुझसे बात नहीं करते। वो ग्राम योगी का दोस्त है ना, और ग्राम योगी मेरा विरोधी है। उसका स्वच्छ भारत अभियान के कारण मेरे गंदगी की वजह से रोज पत्नी से डांट खाता हूँ। लेकिन आज मुझे इसके महत्व का पता चल गया, भगवान ने मुझ पर दया की। गंदगी का नतीजा क्या हो सकता है आज मुझे पता चल गया। हाँ जाओ। हरिओम हरिओम। कृपया धैर्य रखिए, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। किसने कहा, स्पेशलिस्ट या ग्राम योगी? नहीं नहीं, मुझे ओझा जी ने बताया, और ये भी बोला है भविष्य में स्वच्छता का ख्याल रखना है, गंदगी रहे तो फिर से खतरा हो सकता है। ओझा जी की बात भूल मत जाना, ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। यदि तुम वहां न होते तो हम लोग विश्वास को खो देते। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो अपना क्लास भी छोड़ा है। मुझे माफ कर दो, ये सब हमारी गलती से ही हुआ है, हमें तुम्हारी अभिभावक की तरह होना चाहिए। आंटी छोड़िए ना, जो होना था हो गया। मेरे इतने कहने के बावजूद इन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए यह हादसा हो गया। अरे मुसीबतें तल गई। देखो जो व्यक्ति साफ सुथरा नहीं रहेगा, स्वच्छता को अपनी आदत नहीं बनाएगा, तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। बस हमारी गलती की सजा हमारा परिवार भुगत रहा है। अगर आज हम सभी अभिभावक इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो कल पूरा देश भुगतेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए स्वच्छता का आह्वान किया है। अब चलो हम भी स्वच्छता का आह्वान करते हैं। ग्राम योगी जी, चलिए अंदर चल के एक कप चाय पी के जाइए। चलिए, लाओ इसे मुझे दो। Thank you.